हॉट ऑयल मसाज मैं अपने बालों में करने वाली हूँ, जो बहुत जरूरी है, आप लोगों को भी करनी चाहिए। हर अल्टरनेट नाइट लगा लो, क्योंकि हॉट ऑयल मसाज आपके बालों के लिए इतनी ज्यादा फायदेमंद होती है, स्पेशली विंटर्स में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए पहले मेरा ऑयल मसाज करते हैं, उसके बाद मेहंदी भिगोते। आप सबको पता है कि मैं हर बार या तो 3-4 ऑयल मिक्स करके लगाती हूँ, मैं एक अकेला ऑयल बहुत कम लगाती हूँ, या फिर मैं अपने ही ऑयल्स बना के लगाती हूँ। तो आज भी मैं 4 ऑयल्स का एक किट यूज कर रही हूँ, जो एक साथ यूज करेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे हमारे हेयर को, और वो है ये। सो गाइस, आज मैं यूज कर रही हूँ रे नेचुरल्स का, ये एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही बेनिफिशियल हेयर केयर किट, हेयर ऑयलिंग किट। सो इसमें सबसे पहला जो ऑयल मैं यूज करूंगी वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हम सबको पता है कितना बेनिफिशियल होता है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि ये आपके स्कैल्प को ये देखो कर रही कैसे मतलब। सो कैस्टर ऑयल आपके स्कैल्प को नरिश करने के लिए, आपके बालों की थिकनेस बढ़ाने के लिए, और आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। सो मैं डाल रही हूँ कैस्टर ऑयल। अब मुझे कैस्टर ऑयल थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो मैं कैस्टर ऑयल लूंगी 2 चम्मच। अगर आपको कम स्टिकी चाहिए तो आप 1 चम्मच कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं। एंड अब मैं इसमें मिक्स करूंगी कोकोनट ऑयल, क्योंकि कैस्टर ऑयल जो है ना वो नीचे में बहुत थिक होता है, बहुत स्टिकी होता है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमको एक कैरियर ऑयल की जरूरत है। एंड कोकोनट ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट कैरियर ऑयल्स, बिकॉज इट इज फर्स्टली इट इज वेरी लाइट, सेकेंडली वो आपके बालों को बहुत नरिश करता है, उसकी अपने आप में काफी क्वालिटीज है, एंड इट लीव्स योर हेयर वेरी स्मूथ एंड शाइनी। तो ये भी मैं डालूंगी 1 और 2 चम्मच। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, और अब इसमें हम डालेंगे पहले 1 ड्रॉप ऑफ टी ट्री एसेंशियल ऑयल। सो टी ट्री ऑयल आपके स्कैल्प की हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। यू नो विंटर्स में भी हमें बहुत ज्यादा डैंड्रफ होता है, दैट इज बिकॉज बेसिकली वी हैव एन ऑयली स्कैल्प, और वो इसीलिए डैंड्रफ हो जाता है। सो उसे ट्रीट करने के लिए ये 1 ड्रॉप। सो उसे ट्रीट करने के लिए टी ट्री ऑयल इज वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि ये जो आपके स्कैल्प का ऑयल सिक्रीशन है उसे बैलेंस आउट करता है। एंड नाउ आई विल एड 1 ड्रॉप ऑफ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी आपके बालों को शाइनी और सॉफ्ट और स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है, सो ये भी 1 ड्रॉप। एंड साथ ही अगर आपके यू नो स्कैल्प में कोई इरिटेशन है, कुछ इचिंग हो रही है, रैशेस हुए हैं, उसके लिए भी रोजमेरी ऑयल रियली हेल्प्स अलॉट, एंड इट ट्रीट्स योर डैमेज्ड हेयर। सो ये हमने 1-1 ड्रॉप ऐड कर दिया, अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसको 10 सेकेंड्स के लिए अपने माइक्रोवेव में गर्म करके लाई हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला मुझे थोड़ी सी हॉट ऑयल मसाज करनी है। एक्चुअली इट इज वार्म ऑयल मसाज, इट्स नॉट इवन हॉट। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो, बट यू नो विंटर्स में थोड़ी सी वार्म ऑयल मसाज इज वेरी वेरी गुड फॉर योर हेयर। सो इसे मैं अच्छे से अपने स्कैल्प पे लगाऊंगी और मैं अच्छे से मसाज करूंगी, और जैसा मैंने आपको पहले बोला विंटर्स में ऑयलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज अच्छे से ऑयलिंग कीजिए स्कैल्प से लेके बालों के एंड्स तक, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये मैंने अपनी ऑयलिंग कंप्लीट कर ली है, और मुझे तो रे नेचुरल्स का ये पूरा किट बहुत अच्छा लगा। इनके ऑयल्स जो है ना वो 100% प्योर है, ऑल्सो बिकॉज ये छोटे बैचेस में बनाए जाते हैं, सो दे आर मोर एंड मोर एफिशिएंट, एंड दे आर कोल्ड प्रेस्ड। कोल्ड प्रेस्ड का मतलब ये होता है कि इनका जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने में प्रोडक्ट को सिर्फ प्रेस किया जाता है, उसे हीट नहीं किया जाता, तो इसीलिए ये और ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो मेरी तो ऑयलिंग हो गई, आप लोग भी जरूर ये प्रोडक्ट्स ट्राई कीजिएगा और ऑयलिंग जरूर कीजिएगा, बहुत जरूरी है। अब जल्दी से हम लोग मेहंदी भिगोएंगे।